दोस्तों एग्रीकल्चर बाबा क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों ये साथ हमारे किसान हैं चाचा। नाम क्या आपका? दयाराम। दयाराम। हमारा घर जो है मंगलपुर चौराहा। इधर देख के बोलिए। हाँ, मंगलपुर चौराहा, जिला महाराजगंज, और थाना श्याम डबरवा। ठीक है। आप हाँ, कौन से धान के फसल के रोग के बारे में बताएंगे? हाँ, ये जो है संभा है। संभा में, BPT 52-04 है ये। हाँ, संभा में एक एक बाल में लग जाता है एक खैरा वाला रोग। ये मतलब हल्दी की हाँ, तरह होता है, हल्दी की तरह इसमें होता है। इसमें गांठें पाई जाती हैं हल्दी और ये जो की। है लावा का रूप धारण कर लेता है। लावा का रोग धारण कर हाँ, लेता है। हाँ तो इससे जो है दाना जो है खराब होता है। अच्छा, ये किसकी कमी से होता है वैसे? ये कभी काल जो है, जैसे मान लीजिए खादी का मात्रा हो जाता है अधिक तो भी आ जाता है। और फिर कभी काल जो है ऐसा होता है जो कुछ कमी, जैसे जमीन में तत्व पाया जाता है कमी, जो वो जैसे जो है जो लावा हो जाता है। अच्छा हाँ, अच्छा अक्सर ऐसा होता है जो इसमें जो है संभा धान है तो। ये आप अपनी भाषा हाँ, में बता रहे हैं, मतलब जो आप प्रैक्टिकली जानते हैं। हाँ, संभा भाषा में, ये संभा में जो है ऐसा होता है जब मैंने ये अधिकतर लावा हो जाता है। अच्छा। तो दो चार दाना, 8 दाना तकले भी हो जाता है। तो इसको इसके निदान के लिए क्या कि मतलब इसको तोड़ के निकाल दें किनारे? हाँ, निकाल लेंगे तो अच्छा है, कहीं से उससे जो है रुकावट भी हो जाता है। देखिए, इसमें देख सकते हैं ये दाना जैसा बन गया है ये। इसको वो इसको लावा अगर फूट इसको गया है अगर ना, दबाएंगे तो उसमें तो सफ़ेद दाना भी निकलेगा उसका रस, लेकिन ऊपर से ये आपका हल्दी के टाइप का, टर्मरिक टाइप का, ये देखिए हाथ में पूरा लग जा रहा है। ये यहाँ का किसान भाई लोग बता रहे हैं कि इसमें ज़्यादा खाद की मात्रा डालने से, या इधर देखिए हाँ डालने की वजह से लगता है इसमें रोग ये। हाँ, हाँ और सांबा खैर में रोग। अधिकतर और लगता है ये संभा रोग। वैरायटी जो होता है उसमें अधिकतर यही बीमारी पकड़ता है। देखिए अभी लाव फूट गया है ना, अब इसमें जो है चावल बेकार है। अब ऐसा ही जो है कुछ है, अधिक बाल में हो जाता है तो एकदम बेकार लगता है देखने में। जी। अगर ये धान में कुटाया जाता है तो भी जो है खाने में भी स्वाद नहीं रहता अच्छा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें किसान और किसान मित्रों से भाई। देखिए, किसान चाचा बोल रहे हैं चैनल को हाँ सब्सक्राइब करने के लिए, इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें।